इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर गेम के अंदर एक एरर के बारे में। यहाँ पर एरर ये है कि डाउनलोडिंग पुश बताती है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो पाते इस गेम को, और जो कि हम डाउनलोडिंग पर लगाते हैं वो डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं ये हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पर पहले मैं डिटेल्स में बात कर लेता हूँ कि ये सब होता क्यों है और क्या ज़रूरत होती है इस चीज़ के लिए, ये सब कुछ मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कर दूँ पहले। तो यहाँ पर हमारे फ्री फायर के अंदर एक APK रहती है और एक रहती है फाइल। अगर फाइल हमारे सही OBB फोल्डर में डली हुई होती है तो हमारा गेम चल जाता है, अगर APK इंस्टॉल होता है। और खाली APK इंस्टॉल हुई रहती है तो फिर प्रॉब्लम आती है हमारे गेम को चलने में, क्योंकि ऐसे ही डाउनलोडिंग दिखाता है। लेकिन ये अब इससे कोई मैटर नहीं है क्योंकि हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यहाँ पर इसको हम दोबारा से डाउनलोड करते हैं, इसे पुश करने की कोशिश करते हैं तो ना तो पुश होता है ना कुछ होता है, सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग प्रोसेसिंग दिखा देता है और बस यहाँ पर इसका काम ख़त्म। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है इसको चालू करने के लिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल चालू नहीं करूँगा, आपको डाउनलोडिंग करके दिखाऊँगा, पहले डाउनलोडिंग स्टार्ट दिखाऊँगा, उसके बाद ही जो प्रोसेस है वो आप खुद कर पाएंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इसे लेफ़्ट कर देना है, बाहर आ जाना है और अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड ऐप मिलेगी, तो इंस्टॉल्ड ऐप को खोल लेना है। जैसे ही इंस्टॉल्ड ऐप को खोलेंगे यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपका फ्री फायर गेम को आपको ढूंढ लेना है। तो यहीं पर ये रहा, इसको खोल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेमोरी भी स्टोरेज भी हमारी काफ़ी हो रही है, 186 MB की हो रही है, यानी कि हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो हमारा बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमें यहीं से डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज, इस पर जाना है और इन तीनों को अलाउ कर देना है, ओके कर देना है और एक दफ़े फोर्स स्टॉप मार देना है। यहाँ तक आप डिटेल पहले आराम से समझ लीजिएगा कि मैंने क्या क्या करा है। यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डेटा में गया, इनको तीनों को ऑन करा और एक दफ़े फोर्स स्टॉप मार दिया। अब यहाँ से बैक लाना है और बैक लाने के बाद यहाँ पर जो है हमें एक दफ़े एरोप्लेन मोड को अपने फ़ोन में लगा देना है और इसे बंद कर देना है। अपने इंटरनेट कनेक्शन को चालू रखिएगा, क्योंकि अगर ये चालू नहीं रहेगा तो भी यही एरर आपको दिखा सकता है। तो इसलिए अपने जो इंटरनेट कनेक्शन हो उसको पहले अदरवाइज़ अलग एप्लीकेशन में चालू करके देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर YouTube को चला कर देख रहा हूँ, देखते हैं चलेगा नहीं। तो यहाँ पर ये चल चुका है, ओके। तो यहाँ पर हमें जो है बैक ला कर इसे दोबारा चला देना है फ्री फायर को, और अब ये जो है हमारी डाउनलोडिंग चलते ही हो जाएगी। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि हमारी डाउनलोडिंग चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है इसने प्रोसेसिंग ले रही और हमारी 7 MB डाउनलोड भी हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको पुश कर देता हूँ जिससे कि मुझे यहाँ पर इसको डाउनलोड करना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इसकी फ़ाइल अवेलेबल है और मैं फ़ाइल से इसको डालकर चला लूँगा। तो प्रोसेस ये है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।